न्यू कार परचेस करने का प्लान कर रहे हो और आपका बजट 10 लाख रुपीज है, पर आप कंफ्यूज है कि कौन सी कार परचेस करें। तो आज आपके लिए हम कुछ कार सजेस्ट करने वाले हैं जो हमने टॉप 5 की लिस्ट में रखी है। वैसे तो बहुत सारी कार्स आपको 10 लाख के अंडर मिल जाएंगी, पर क्यों हमने यही कार्स जो है आप लोगों के लिए चूज किए वो हम आगे चल के आपको वीडियो में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी फर्स्ट कार के साथ। अगर आप हैचबैक लेने तो आप टाटा एल्ट्रोस को अपने लिस्ट में ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। इस कार को टॉप 5 में हमने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि इसमें सारे इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं और इंडिया में ये एक ही हैचबैक है जो डीजल में भी आपको अवेलेबल है, और बाकी पेट्रोल, सीएनजी, मैनुअल और ऑटोमेटिक डीसीटी का भी ऑप्शन इसमें मिल जाता है। माइलेज की बात करें तो 19.15 से लेकर 26.2 तक की माइलेज जो है आपको टाटा अल्ट्रोस में मिल जाती है। और भी कई सारे रीजंस है टाटा अल्ट्रोस को टॉप 5 में कंसीडर करने के लिए, जैसे फीचर्स में आपको 16 इंचेस के एलॉय व्हील्स, एलईडी डीआरएस, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेदरेट अपॉल्स्ट्री, स्पेशियस कैबिन, सनरूफ, इंफोटेनमेंट सिस्टम, बड़ा सा बूट स्पेस भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिलता है। इसमें सीएनजी का भी ऑप्शन आता है और अगर आप सीएनजी वेरिएंट भी चूज़ करते हैं तो भी आपको इसमें बूट स्पेस मिलता है, क्योंकि इसमें टाटा ने ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी यूज़ किया है जो कि आपको और किसी भी सीएनजी कार में देखने को नहीं मिलेगा। टाटा एल्ट्रोस की सेफ्टी की अगर बात करें तो ये ग्लोबल एनकैप में 5-स्टार रेटेड कार है। वैसे तो सभी लोग आजकल एसयूवी या कॉम्पैक्ट एसयूवी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए निसान मैग्नेट जो है ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। प्राइसिंग की बात करें तो ये 7.5 लाख से लेकर 13.2 लाख तक पहुंच जाती है। फीचर्स एंड लुक्स जो है इस गाड़ी में आपको बढ़िया देखने को मिलते हैं। हाइट, विड्थ, लेंथ और बूट स्पेस के साथ गाड़ी एक अच्छा पैकेज आपके लिए हो सकती है। इसमें भी आपको दो इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आपको पावर ज़्यादा चाहिए तो आप टर्बो पेट्रोल इंजन के लिए जा सकते हैं, जिसमें सीवीटी के साथ ऑटोमेटिक एएमटी का भी ऑप्शन मिल जाता है, नहीं तो आप नॉर्मल के लिए भी जा सकते हैं। माइलेज की बात करें तो निसान मैगनाइट में आपको 17.8 से लेकर 20 km/h तक का माइलेज आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसके कुछ वेरियंट्स हैं जो 10 लाख के ऊपर भी चले जाते हैं। वैसे तो टाटा एल्ट्रोस के भी कुछ वेरिएंट्स हैं जो 10 लाख जो है वो क्रॉस कर जाते हैं, पर आप जो है अपने हिसाब से वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है वो आप थोड़ा बजट एक्सटेंड करके चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम हमारे अगली गाड़ी की तरफ। रिसेंटली लॉन्च Hyundai Exter को भी हमने टॉप 5 में चूज़ किया है क्योंकि ये एक लौती ऐसी कार है जिसमें आपको AMT में पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं। आज तक किसी भी दूसरी कंपनी ने अपने किसी भी कार में AMT में पैडल शिफ्टर्स नहीं दिए हैं, और इसके साथ ही पेट्रोल और CNG वेरिएंट में भी आप इस गाड़ी को चूज़ कर सकते हैं। फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको सनरूफ, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रेयर एसी वेंट्स, बड़ा सा म्यूजिक टचस्क्रीन सिस्टम जैसे फीचर्स आपको गाड़ी में मिल जाते हैं। और मेन बात कि Hyundai Exter में आपको बेस वेरिएंट से ही 6 एयरबैग्स का ऑप्शन मिल जाता है, और सेफ्टी में भी गाड़ी जो है वो काफ़ी बढ़िया है। माइलेज की बात करें तो Hyundai Exter में आपको 19 से लेकर 27 तक का जो माइलेज है ट्रांसमिशन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वो मिल जाता है। वैसे तो और भी कई सारी गाड़ियाँ हैं मार्केट में जो 10 लाख के अंडर आपको मिल जाएंगी, पर हमने जो टॉप 5 कार ज़्यादातर सेफ्टी पर फोकस करके आपको रिकमेंड की है। हमारी अगली कार जो है उसमें आपको फीचर्स, सेफ्टी और CNG ये सभी का कॉम्बिनेशन साथ में मिलेगा। यस, मैं बात कर रहा हूँ टाटा पंच की। सिटी और हाईवे के लिए ये डिसेंट पावर प्रोड्यूस कर देती है। इसमें ICNG का भी ऑप्शन आता है और ICNG में भी काफ़ी सारे वेरियंट्स भी आते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज करके दे सकते हैं। टाटा पंच में आपको सारे मेजर फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे 6 स्पीकर हार्मन साउंड सिस्टम, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC, 7 इंच का टचस्क्रीन सिस्टम विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। टाटा पंच को भी ग्लोबल एनकैप में 5-स्टार रेटिंग मिल चुकी है। इसके साथ ही एक और गाड़ी है टाटा की जो कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में काफ़ी धूम मचा रही है। इसके रिसेंटली लॉन्च्ड फेसलिफ्ट के बाद से ये गाड़ी जो है अब
कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में टॉप पर आने वाली हैं। यस, मैं बात कर रहा हूँ टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट की। रिसेंटली फेसलिफ्ट लॉन्च होने के बाद से ये गाड़ी जो है फिर से कॉम्पैक्ट एसयूवी के टॉप रैंक में आ जाएगी। टाटा ने इसमें इस बार जो फीचर्स ऑफर किए हैं वो अब तक किसी भी कंपनी ने अपनी गाड़ी में ऑफर नहीं किए है। फर्स्ट इन द क्लास फीचर्स आपको इस गाड़ी में देखने को मिलते हैं, जैसे एल्यूमिनेटेड स्टेयरिंग पर लोगो, फुल कनेक्टिंग एलईडी डीआरएस विद वेलकम फंक्शन, और भी कई सारे फीचर्स आपको टाटा नेक्सॉन में देखने को मिल जाते हैं। नेक्सॉन की प्राइसिंग की बात करें तो ये 8.10 लाख से लेकर के 15.5 लाख तक आपको गाड़ी मिल जाएगी। इसमें भी आपको 7 कलर ऑप्शंस अवेलेबल है। नेक्सॉन में आपको डीजल, पेट्रोल और ऑटोमेटिक वर्जन का भी ऑप्शंस मिल जाता है। नेक्सॉन में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट्स जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही आपको मैनुअल, ऑटोमेटिक एएमटी और ऑटोमेटिक डीसीटी ट्रांसमिशन का भी ऑप्शंस गाड़ी में देखने को मिलता है। नेक्सॉन की अगर माइलेज की बात करें तो 17.1 से लेकर के 24 तक की माइलेज है गाड़ी में आपको देखने को मिल जाती है। इंजन वाइज बात करें तो पेट्रोल मैनुअल में आपको 17.4, डीजल मैनुअल में आपको 23.3, पेट्रोल ऑटोमेटिक में 17.8, पेट्रोल ऑटोमेटिक डीसीटी में 17.1 और डीजल ऑटोमेटिक एएमटी में आपको 24 तक की माइलेज नेक्सॉन में देखने को मिलती है। की बात करें तो टाटा नेक्सॉन जो ओल्ड थी वो ऑलरेडी 5-स्टार रेटेड कार थी। हालांकि न्यू फेसलिफ्ट का जो है वो क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, बट डेफिनेटली वो भी आपको 5-स्टार रेटिंग के साथ ही देखने को मिलेगी। ये तो रही सारी 5-सीटर कार्स के बारे में। अगर आप 7-सीटर कार ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए सिर्फ दो ही ऑप्शन है, एक तो है रेनॉल्ट की ट्राइबर और दूसरी है मारुति की अल्टिगा। बट रेनॉल्ट ट्राइबर को हम लोग प्रॉपर एक 7-सीटर कार नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि उसकी जो थर्ड सीट जो है वो काफ़ी कंजेस्टेड है। तो अगर आप प्रॉपर 7-सीटर कार ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है मारुति की अल्टिगा। मारुति की अल्टिगा जो है वो भी आपको 10 लाख के ऊपर मिलेगी, बट वेरियंट्स वाइज जो है वो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चूज करके गाड़ी ले सकते हैं। अल्टिगा में भी आपको CNG और पेट्रोल दोनों का ऑप्शंस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। सो गाइज, ये थी टॉप 5 कार अंडर 10 लाख रुपीस। अगर आपका बजट 10 से 15 लाख रुपीस तक का है और आपको ऐसा ही एक और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना, हम आपके लिए एक ऐसा ही एक और वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। मिलते हैं आपके साथ अगले एक बढ़िया सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड राइड सेफ।